बॉलीवुड की बड़ी हस्ती सलमान खान को लगातार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से धमकियां मिल रही हैं। इससे लगातार सलमान खान की जान पर खतरा बना हुआ है। दरअसल कुछ वक्त पहले एक युवक ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर सलमान को धमकी दी थी, साथ ही उसने 5 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी थी। इस युवक को पुलिस ने जमशेदपुर से गिरफ्तार किया था। अब एक बार फिर से सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दी गई है। एक बार फिर से धमकी के साथ 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई है। धमकी देने वाले ने दावा किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मुंबई पुलिस की ट्रैफिक कंट्रोल को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरा एक मैसेज मिला है। पुलिस ने आगे बताया कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजे गए मैसेज में दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई बोल रहा है। धमकी में कहा कि अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए या 5 करोड़ रुपए देने चाहिए। ऐसा ना करने पर उन्हें जान से मार देंगे। हमारी गैंग आज भी एक्टिव है। तो वहीं पुलिस ने आगे कहा कि उन्हें इस धमकी भरे मैसेज की जानकारी कल मिली, जब आधी रात को ट्रैफिक कंट्रोल रूम में काम करने वाले अधिकारी ने यह पढ़ा। पुलिस फिलहाल मैसेज भेजने वाले शख्स की तलाश कर रही है। अक्टूबर में भी सलमान को इसी तरह की एक धमकी मिली थी, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने जमशेदपुर से 24 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जानकारी में बताया था कि धमकी देने वाला शख्स सब्जी बेचने का काम करता था। उसने हाल ही में टीवी पर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा सलमान खान की हत्या की धमकी की खबरें देखी थी। इसके बाद उसे रंगदारी मांगने का विचार आया। शख्स ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा मैसेज भेजा और इसके बाद अपना मोबाइल बंद कर लिया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मिल रही धमकी और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत की वजह से सलमान खान की सिक्योरिटी को और भी टाइट कर दिया गया है। एक्टर को वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन जान पर बने खतरे के बावजूद सलमान अपने वर्क कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने डायरेक्टर एआर मुरुगदास की फिल्म सिकंदर का शूट शुरू किया है। सलमान ने इसी बीच अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन के लिए एक कैमियो भी शूट किया है। सलमान खान को कल शाम को फिर से धमकी दी गई। वर्ली ट्रैफिक कंट्रोल नंबर पर 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई और बिश्नोई समाज के मंदिर में माफ़ी मांगने के लिए कहा गया है। ट्रैफिक कंट्रोल के नंबर पर सलमान खान को 10 दिन के अंदर 4 धमकी भरे कॉल्स जमशेदपुर, गुवाहाटी, बांद्रा और कल शाम को अज्ञात लोकेशन से मिली हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।